जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, NMDC को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, इनिशियलीकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है, इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया, न चक्का जाम किए, न किसी को रोका है। शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया था और वो सफल हुए। जनता की आवाज़ कम से कम प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, और अभी भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों पे नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाए। उतनी ही तो मांग है हमारी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पत्राचार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि ये निजी हाथों में नहीं बिकना चाहिए, कम से कम अपने पार्टी के लोगों की बात सुन ले। उन्होंने पत्र लिखा, विधानसभा में हम लोग पारित किया, शासकीय संकल्प लाया। छत्तीसगढ़ यदि केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती, NMDC नहीं चला सकती, हमको दे दे, हम चला लेंगे। हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर है भिलाई में, उनके माध्यम से हम चला लेंगे। लेकिन वो बात भी अनसुनी कर दी गई। फिर NMDC के MD चेयरमैन सबसे हम लोगों ने बात की कि ये निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार से पत्राचार किया, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी कर दी गई और उसका लोकार्पण किया गया। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा, लेकिन ये निजी हाथों में ना जाए, ये मैं आश्वासन चाहता हूँ, और इसी का विरोध है। और इसमें जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।